स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी में। इतिहास का निर्देश सैनी आप सभी स्वागत करता हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मध्यकालीन भारत एस के पांडे सर की बुक का, तो बने रहिए इस वाली वीडियो मेरे साथ। ये मेरे को फ्लिपकार्ट से 200 रुपये की परचेज हुई है और मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। मेनली ये बुक है सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक है। इससे पहले हमने प्राचीन भारत सर की बुक का रिव्यू किया था और उसका एक कंपेरिजन वीडियो बनाया था और एनसीईआरटी के साथ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सर की एकेडमी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यदि कोई बच्चा कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो ये नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मिल जाती हैं चीज़ें और ये आपकी विशेष सूची आ गई है। इस्लाम का उदय इस चैप्टर से स्टार्ट होता है और इसमें 676 पेजेस हैं। पहला चैप्टर ये रहा इस्लाम का उदय। जितनी भी बुक आप पढ़ेंगे बहुत रेयर ही बुक में आपको इस्लाम का उदय मिलेगा। हरिचंद वर्मा सर की बुक में है। अन्य अदर जितने भी आप चैपा पोचिंग पे चैपा तो जे एल मेहता हो, सतीश चंद्र हो, उन सब बुक में इस टाइप से चैप्टर नहीं मिलते। मोस्टली बुक जो स्टार्ट होती है वो तीसरे अध्याय से, अरबों का सिंध पर विजय। मध्यकालीन भारत स्रोत भी बहुत कम बुक में अवेलेबल रहता है। इस चीज़ ये भी काफ़ी खास बात लगी मेरे को, इसमें 2 चैप्टर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, इस्लाम का उदय और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत का। इससे आपको पूरी एक पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में आ जाएगा इस्लाम के बारे में। फिर आप देखेंगे कि भारत पर आक्रमण किया हुआ उसके क्या क्या राजनीतिक और सामाजिक कारण थे, जैसे कि फिर आप बाद में गजनी और फिर आप गोरी का आक्रमण पढ़ते हैं ना, उसमें मेन ये आपके लिए इस्लाम का उदय बहुत हेल्पफुल रहेगा चैप्टर। यहाँ पर आपको ब्रीफली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पूरे इस्लाम धर्म के बारे में और क्या क्या उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियो मोहम्मद साहब के बाद उपजते हैं, तो यहाँ सब आपको मिल जाएगा जानकारी। देखिए आप अरबों के आक्रमण के पूर्व भारत की दशा, इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है यदि आप इस्लाम का उदय पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एक ब्लू प्रिंट के लिए, एक रूपरेखा के लिए। मेनली बुक यहाँ से भी बहुत रेयर ही स्टार्ट होती है। सरी चंद्र सर की बुक में इस टाइप से नहीं मिल पाता हमें। मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोत ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पीजीटी लेवल पर एग्जाम के लिए। बहुत सारे बुक्स के नाम हिस्टोग्राफी से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, इस हिसाब से आपको चैप्टर मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि आप खुद शुरू में यदि पढ़ लेते हैं। देखें आप थर्ड चैप्टर अरबों का सिंध विजय, यहाँ पे फिर आप यहाँ से मोस्टली बुक यहाँ से स्टार्ट होती है। चाहे आप देख लें पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक हो, मेहता हरिचंद वर्मा सर में बुक में है पूरा अरबों इस्लाम का उदय, तो ये काफ़ी अच्छा है, सर ने काफ़ी अच्छे से लिखा, डिटेल्ड एक बुक है। तो आप यहाँ पे भी साथ साथ पढ़ के चल सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पोस्ट सबसे खास बात ये लगी, मैंने इसे काफ़ी दिन से पढ़ रहा था इन तीनों बुक को रिव्यू के लिए। काफ़ी सारे बच्चों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज आ रहे थे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम ही सेम है, हिस्ट्री नेचर यूनिवर्सिटी। उसकी सब जानकारी आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देख सकते हैं आप महमूद गजनवी आक्रमण समय भारत की स्थिति। इस हिसाब से आप इसमें अरेंज किया गया और यहाँ पे 17 आक्रमण दे रखे हैं। सत्रहवां अंतिम आक्रमण इसलिए काफी अच्छे से कि आप देखेंगे मोहम्मद गोरी और भारत पर उसके आक्रमण, तो इसलिए काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। इसमें आपके एक रूपरेखा बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात ये लगती है मेरे को इन तीनों बुक की, चाहे आप आधुनिक भारत की बात कर लें प्राचीन भारत की, जो सबसे खास बात है सर की बुक की वो एक भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। और आपको बहुत, जैसे कि मैं इनकी कंपेरिजन वीडियो बनाऊँगा, मैंने प्राचीन भारत पर बना दी है और आधुनिक भारत के लिए भी मैं वीडियो लाऊँगा सर की और मध्यकालीन भारत पर भी। तो मेरे को सबसे अच्छी ये लगी कि उनकी जो भाषा है बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इन सब आप जान सकते हैं कि आपके अलावा इट मीन्स कि आप एनसीईआरटी के अलावा भी बुक खरीद सकते हैं, कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें और आप उससे ज़्यादा अच्छी बुक बेटर पढ़ लें। मैं इसलिए एक वीडियो कंपेरिजन बनाऊँगा सर की बुक से, तो ये बहुत शानदार बुक रहेंगी। आप यदि एनसीईआरटी ना पढ़कर एस के पांडे सर की तीनों बुक पढ़ें, ये एनसीईआरटी से ज़्यादा कवर करती है मैटर और बहुत सारी चीज़ें मैं इनकी डिटेल वीडियो में बताऊँगा। एक चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो वाले ऑप्शन में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगी।
मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं मामलुक वंश। देखें आप दिल्ली सल्तनत अध्याय 5 है इसमें, फिर ये मामलुक किसी में आपको ममलुक मिल जाएगा मामलुक, तो ये गुलाम वंश भी उसका एक सही शब्द इस हिसाब से आपको मिल जाती है चीज़ें, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको फैक्ट जैसे यहाँ पर आपको छाटने नहीं पड़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि फैक्ट्स यहाँ पर एक स्टेप से अरेंज किए गए हैं, सजाए गए हैं कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि हमें फैक्ट्स पढ़ने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे चंद्रमा का देवता, इस हिसाब से सब कुछ फैक्ट्स बोल्ड कर दिया गया है, आपको एक अच्छा समझ में आ जाए। आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर में ज़्यादा बोल्ड है, फ़ॉन्ट साइज उनका बड़ा कर दिया गया है। ये वाला चैप्टर हम काफ़ी ऐसे डील करते चलेंगे दिल्ली सल्तनत का। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं TGT PGT लेवल पर, तो ये वाली बुक आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इसमें पूरा ही कोर्स आपका कवर हो जाता है TGT लेवल का। और मैं आपको लास्ट में अपना क्रिटिकल व्यू बता दूंगा, तो हम इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें फैक्ट्स को बहुत अच्छे से सजाया गया है, जो उसकी मेरे को सबसे अच्छी लगती है भाषा शैली, एक सुबोध है, एक आपको पढ़ते हुए एक अलग सा लगेगा, एक लैंग्वेज रहती है क्लिस्ट। जैसे कि आपको पप्पू सिंह प्रोफेसर की बुक पढ़ेंगे तो जो उनकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा मैटर तो उसमें बहुत ज़्यादा है, इनकी अपेक्षा उसकी भाषा शैली थोड़ी क्लिस्ट हो जाती है, इनकी भाषा शैली क्लिस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको एक आरामदायक पढ़ने में एक अच्छा फील होगा। इस हिसाब से आपको मामलुक वंश पूरा डिटेल से देख लेंगे, और आप भी वीडियो को पोज कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई सी भी राइटर की LP शर्मा हो, कोई अदर राइटर्स हो, कोई भी बुक हो, तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं वीडियो को पोज कर, या फिर वीडियो को पोज कर पढ़ लें और फिर आप बुक परचेस कर सकते हैं। कि मैंने सहरी बुक का रिव्यू किया आपके चैनल पर, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस चीज़ इफेक्ट कर दिए। हम NET JRF की तैयारी कर रहे हैं या TGT PGT की, या फिर आपका कोई SSC का एग्ज़ाम हो उसमें ST आ रही हो, तो आप अपने एग्ज़ाम के सिनेरियो, एग्ज़ाम के कोर्स के पैटर्न के हिसाब से बुक सेलेक्ट करें, जिस हिसाब से आपको पूरा दिल्ली सल्तनत स्टेप से मिल जाएगा। तो ये अब खिलजी डायनेस्टी यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हैं। बहुत पूरी वीडियो में बुक दिखाना तो संभव नहीं है, लेकिन जल्दी से हम और कुछ चैप्टर देखते हैं मध्यकालीन भारत के, फिर जल्दी से और क्रिटिकल व्यू बताऊंगा मैं आपको, जो मेरा क्रिटिकल व्यू होगा। तो मैटर बहुत है, बहुत अच्छे से सजाया गया है। देखिए आप सैयद वंश देख सकते हैं, लोधी डायनेस्टी आ गई है, या फिर यहाँ देखिए अध्याय 6 प्रांतीय राजवंश। ये सब जो दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाया था उसके बाद जितने भी प्रांतीय स्तर पर शासक हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आपके स्टेप से मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मेरे को सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूँ प्राचीन भारत की अपेक्षा मेरे को ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि प्राचीन भारत में मेनली प्रागैतिहासिक काल से लेकर 650 ईस्वी तक दे रखा था, उसमें पूरा पूर्व मध्यकालीन भारत को स्किप किया गया, उसमें वो नहीं मिला, तो इसलिए वो बुक थोड़ी सी आपको, यदि आपको नॉर्थ भारत में राजपूत काल पढ़ना है तो आपको कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी, इसलिए उसमें मैटर थोड़ा कम हो जाता है। ये सब प्रांतीय राजवंश चल रहे हैं। अब डील करते हैं जल्दी से मुगल वंश, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बाबर का परिचय दे रखा है इसमें, यहाँ पे फिर आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ समझाया गया है, ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो यहाँ पे आप अच्छे से समझाया गया है उनकी क्या क्या परिस्थिति थी उनके मूल निवास स्थान की। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं पानीपत का, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 3 युद्ध हो जाते हैं पानीपत के। फिर यहाँ पर चंदेरी का तीर है, फिर आपको घाघरा, इसलिए आप पढ़ सकते हैं अंतिम दिन व मृत्यु बाबर की। यहाँ पर बाबर का चैप्टर ख़त्म, हुमायूं। इस टाइप से आप ब्रीफली इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, ये काफ़ी अच्छा रहता है कि बच्चों को यहाँ पर एक टाइप से उसका पूरा जीवन काल यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। फिर आपसे कह रहा हूँ कि जोर देके कि जो बुक की भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, आपको पढ़ने में भी बिल्कुल ही ज़्यादा बोर फील नहीं होगा, और आपको पढ़ने में एक टाइप से कहानी टाइप लगेगा, और सबसे अच्छी बात यह कि आपको एक
ईजी लैंग्वेज में चीज़ें प्रोवाइड कराई गई, यानी बहुत सारे जैसे कि आप हरिचंद वर्मा सर की बुक लें या फिर आप सतीश चंद्र, उनकी जो लैंग्वेज है वो इनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है। ये आपके TGT लेवल को बहुत अच्छे से टच कर लेगी। इसमें आपकी नेट जी आर एफ के लिए तो नहीं, लेकिन आप नेट लेवल तक ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। GRF के लिए नहीं, GRF के लिए आपको काफ़ी डीप पढ़ना पड़ता है, लेकिन नेट लेवल में आपके लिए बुक बहुत शानदार रहेगी। यहाँ पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए भारत की पुनर्विजय, तो मेरा क्रिटिकल व्यू यही है कि आप यदि कोई TGT PGT में बुक बहुत शानदार है और आप नेट GRF की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि GRF के लिए तो नहीं, लेकिन नेट लेवल के एग्ज़ाम में आपके नेट क्वालिफाई कराने में आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत शानदार। पहले से इसमें अकबर देखते हैं, फिर अकबर के अच्छे डील करते चलेंगे। मध्यकालीन भारत में मुगल काल में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकबर, तो यहाँ पर अकबर के बारे में अच्छे से पढ़ लें। और आपके पास कोई बुक है तो आप अच्छे से कंपेरिजन भी कर लें, कि LP शर्मा हो, सतीश चंद्र हो, हरिचंद वर्मा हो, बहुत सारी बुक आती हैं मध्यकालीन भारत में भी, तो इसमें आपको फैक्ट्स याद नहीं करने पड़ेंगे, आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स को बहुत अच्छे से सजाया गया है, जो इम्पोर्टेंट लगा उन्हें बोल्ड कर दिया गया है। जैसे कि आप बैरम खान का विद्रोह देख सकते हैं, 6 माह में 4 प्रधानमंत्री, ये वाला टॉपिक हम काफ़ी से डील करते चलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्यकालीन भारत में मुगल काल का अकबर। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इनसे क्वेश्चन रिलेट आ ही जाता है एग्ज़ाम में, तो बुक बहुत अच्छी है, मैंने आपसे बता दिया है, आप परचेस कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। अभी सामाजिक सुधार आ गए हैं अकबर के, मेजर की घोषणा कर दी गई है, दीन इलाही, तो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाता है सब कुछ इस वाली बुक में, अकबर के अंतिम दिन में मृत्यु। तो बुक बहुत अच्छी है, ओवरऑल आप TGT लेवल पे ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, और ये नेट क्वालिफाई कराने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की, तो आप हमारे पेड ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपके लिए TGT PGT का और नेट GRF के फिल्म वाले क्वेश्चन और आपके हिस्टोग्राफी क्वेश्चन के लिए हमने अलग से क्विज चला रखी है, जो मात्र आपके लिए 20 से 25 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। इसकी जानकारी सब बुक में। थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आपको चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव मिल जाते थे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, जैसे कि आप मध्यकालीन भारत में देखेंगे, मध्यकालीन भारत को चैप्टर खत्म होता है, जैसे आपको वहाँ पर जैसे कि इस टाइप से आपको चैप्टर खत्म होने तो ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, वैसे मध्यकालीन भारत में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल आधुनिक भारत में भी सेम मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसके एंड में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये सिर्फ मध्यकालीन भारत में स्टेप्स आपको नहीं मिल पाता, ये मध्यकालीन भारत में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, स्टेप्स आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है कि आप चैप्टर पढ़ें उसके एंड एंड क्वेश्चन करने, तो आपकी जो एक याद करने की क्षमता और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आपने एंड एंड क्वेश्चन लगा लिए। इसमें ये थोड़ी सी कमी है मध्यकालीन भारत वाली बुक में, आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो बुक बहुत अच्छी है, आप परचेस कर सकते हैं PGT लेवल तक एग्ज़ाम के लिए और नेट क्वालिफाई करने के लिए। GRF के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारी अदर बुक्स देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी का धन्यवाद, आप कीमती समय देने का धन्यवाद, आपका दिल से आभार, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, आप सभी का धन्यवाद।